धरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है कल हम लोगों ने प्रो डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू सेल की स्टडी की थी आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रो सेल कल हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि प्रो प्रोकैरियोट सेल और यू e सेल कैसे होती हैं तो मेन डिफरेंस हम लोग न्यूक्लियस के बेस पे किए थे कि प्रोकैरियोट सेल जो होती हैं वो प्रिमिटिव सेल होती हैं उसमें प्रिं टाइप का न्यूक्लियस होता है यू कैरियर सेल में ट्रू और फंक्शनल न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल जो प्रो का होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है जो यू कैरियर का जेंटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम आज हम लोग टाइप ऑफ प्रो सेल की स्टडी करेंगे uh, कि उनके उनकी सेल के सेफ से या उसमें फ्लेजिला है या नहीं है इसके बेस पे हम लोग आज टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स की स्टडी करेंगे और जो मेन डिफरेंस था और यूकैरियोट्स और प्रोक्यूरियर सेल में तो जो यूकैरियोट सेल होती थी उसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन जो होते थे वो पाए जाते थे जो प्रो सेल होती थी उनमें न्यूक्लियस जो होता था वो भी फंक्शनल uh, होता था जो उनका जेंटिक मटेरियल होता था वो न्यूक्लियो में होता था इन द फॉर्म ऑफ क्रो क्रोमोसोम और जो यू uh, और जो प्रो सेल होती थी उनका जो जेंटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए जो होता था वो उनके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता था तो ये जो मेन डिफरेंसेस हम लोगों ने कल स्टडी की थी आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ प्रो सेल तो uh, टाइप ऑफ प्रोकैरियोट सेल ये जो होती है जो सेल के सेफ के बेस पे चार टाइप का होता है ना सेल के बेस पे जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं वो चार टाइप की होती हैं नंबर एक बैसिलस कोकस बिबरियो और स्पाइलम तो सबसे पहले हम बेसिलस की बात करते हैं बेसिलस बेसिलस जो बेसिलस टाइप की जो प्रोकोरिया सेल होती हैं वो उनका सेप जो होता है रॉड लाइक होता है रॉड जिसे छड़ बोल सकते हैं तो छड़ के सेप का होता है ये छड़ हमने बनाया भी है कोकस कोकस जो होता है वो आ, गोल यानी स्पेरिकल सेल जो होती हैं उनको कोकस बोलते हैं और फिर जो बैसिलस होते हैं उसकी जो बैसिलस सेल हैं इनके भी कई टाइप्स होते हैं जो कोकस सेल हैं इनके भी कई टाइप होती हैं ब्रिब्रियो जो हैं ब्रिब्रियो यानी जो इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं जो स्पाइलम होती है इनके भी कई सारे जो ब्रिब्रियो होती हैं वो कॉमा सेप का होता है जो जो बिबरीओ सेल होती है वो कॉमासप की कुछ ऐसी होती हैं और ये स्पायलम सेल जो होती हैं वो स्पा स्पाइल जैसे स्प्रिंग हुई उस टाइप की होती हैं इनमें फ्लैजिला होता है इसके भी बेस पे इन्हें कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आ, बैसिलस टाइप ऑफ बैसिलस सेल जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक टाइप हमारा होता है बैसिलस इसकी बात करेंगे हम ये बै, ये हो गया आपका बैसिलस कोकस और बिब्रियो और इस्पाइलम तो जो बैसिलस सेल होती हैं उनका सेब जो होता है रॉड लाइक होता है बैसल तो सबसे पहले अब याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। बैसल बैसिलस से बैसल हो गया और जो बैसल होती है वो रॉड रॉड सेप की होती हैं तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो बैसिलस होता है वो रॉड सेप का होता है कोकस कोकस जब हम लिखते हैं सी ओ डबल सी ओ यू एस तो कोकस को सी ओ आ गया तो जो कोकस होता है वो उबल सेप का होता है इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ये कई कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बैसिलस सेल का सेप कैसा होता है कोकस सेल का सेप कैसा होता है बिब्रियो का सेप कैसा होता है और इस्पाइलम का सेप कैसा होता है तो जो बैसिलस है इसको हम कुछ इस प्रकार से याद कर सकते हैं जो बैसिलस सेल है बैसिलस यानी बैसल बैसल जो होती हैं वो रॉड शेप की होती हैं जैसे समझ लो कि बैसल रॉड बैसल रॉड शेप की होती हैं और कोकस जैसे अब कोकस को हम लिखेंगे तो इससे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कोकस को हमने ऐसे लिखा सी ओ डबल सी यस सी ओ आया ना तो वो क्या है ओवल शेप का है स्पेरिकल शेप का है तो इससे हम याद रख सकते हैं कि अगर कहीं आ गया कोकस क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कोकस सेल कैसी होती हैं तो इससे ही हो जाएगा कि आपकी कोकस जो होती हैं वो स्पेरिकल होती हैं स्पेरिकल होती हैं यानी ओवल शेप की होती हैं तो आपको याद करने की ट्रिक भी बता दी मैंने कि बैसिलस और कोकस आप कैसे याद करेंगे फिर उसके बाद में विब्रियो आ गया जो विब्रियो होता है वो कॉमा सेप का होता है इस ये आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि बेसिलस जो होता है रोड सेप का अगर आपको पता है कोकस हो गया स्पैरिकल सेप का तो विब्रियो स्पायर जो स्पायरल जो स्पायरलम है वो स्पायरल सेप का है इससे पूरा ही आप इससे पूरा निकल ही रहा है कि स्पायरम जो होगा स्पायरल सेप का होगा तो विब्रियो एक कॉमा सेप का होता है तो विब्रियो आपका कॉमा सेप का होगा तो ये आपको मैंने इसी लेक्चर के दौरान ये जो हिंट थी वो आपको याद हो गई होंगी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग इसका फिर आगे का लेक्चर मैं स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले हम आते हैं इन जो जैसे स्पैरिकल सेल हैं बेसल सेल हैं तो इनके भी कई सारे टाइप होते हैं तो हम इनके टाइप जाते हैं सबसे पहले स्पैरिकल या कोकस सेल की बात करते हैं तो कोकस सेल अगर एक होगा तो उसको हम कोकस बोलेंगे खाली कोकस बोलेंगे ठीक है अगर ये जैसे जैसे अब, जैसे प्रोकैरियोट सेल की बॉडी की टाइप देखेंगे तो प्रोकैरियोट सेल में भी कई सारी सेल इकट्ठा इकट्ठा तो हो जाती हैं लेकिन इनमें टीशू का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इकट्ठा वही इकट्ठा होने की जैसे एक सेल हुई तो कोकस उसको बोलेंगे ओवल सेल की ओवल सेप की एक सेल अगर एक जगह पे है तो उसे कोकस बोलेंगे अब वही ओवल सेल अगर दो सेल एक जगह पे है तो उसे डिप्लो कोकस बोलेंगे ये भी ये भी एक टाइप हो गया अब जैसे कई सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं अगर वो कोकस सेप के हैं एक हैं तो उस इसका भी एग्जांपल होता है कि जैसे कोकस एक मान लो मान लो एक सेल एक जगह पे है एक बैक्टीरिया एक जगह पे रहता है तो उसको हम कोकस बोलेंगे अगर दो बैक्टी अगर दो सेल वा मतलब दो सेल वाले बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं तो उनको डिप्लो कोकस बोलेंगे डिप्लो कोकस डि जहाँ पर अगर डिप्लो वर्ड आ गया याद रखने का तरीका डिप्लो वर, वर्ड आ गया तो डिप्लो का मतलब टू होता है ठीक है कहीं भी आ गया जैसे आपका डी दे, देखो डिप्लो डा ठीक है डिप और फिर ये आपका आ, डिप्लो बैसलस हो गया तो डिप्लो वर्ड जैसे कहीं भी आएगा तो उसको हम टू समझ लेते हैं तो यहाँ पे डिप्लो आया तो यहाँ पे दो सेल यानी कोकस की दो सेल मिलके के डिप्लो बैसलस का फॉर्मेशन करेंगी स्टेप्टो स्टेप्टो शब्द आया तो स्टेप्टो तो शब्द तो तो का मतलब होता है कई सारे या कई लाइन जैसे स्टेप होता है स्टेप वाइज स्टेप तो स्टेप का मतलब क्या हुआ कई सारे लाइन तो स्टेप्टो तो कोकस का मतलब हो गया कि उसमें कई सारे स्टेप होंगे सेल कई सारी होंगी फिर जो टीलो जो टीलोड होता है वो चार सेल इकट्ठा होंगी और फिर जो सर्कम होगा उसमें कई सारे सेल जैसे स्पंज की फॉर्म में होंगी तो इनको ये बोलते हैं तो ये आपका कोकस का टाइप ऑफ कोकस जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो आपका क्लियर हो गया अब हम बात करेंगे रॉड सेप सेल के बारे में जिसको बैसिलस भी बोलते हैं ठीक है सेल तो बैसिलस को हम लोग सेल बोलते हैं तो एक अगर एक है तो उसको हम बैसिलस बोलेंगे दो है तो जैसे यहाँ पे डिप्लो कोकस था वहां, वह, वैसे यहाँ पे डिप्लो हो जाएगा ठीक है वो डिप्लो बैसिलस हो गया जैसे आपका डिप्लो कोकस था दो कोकस मिलके डिप्लो कोकस बना रहे थे वैसे आपका दो बैसिलस मिलकर डिप्लो बैसिलस बना रहे हैं स्टेप्टोबैसिलस स्टेप्टोबैसिलस यानी एक ही बैसिलस है लेकिन आ, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस पर कई सारे फ्लैजिला और स्टेप्टोबैसिलस सेल ऐसी भी हो सकती हैं कि कई सारे बैसिलस हों जैसे आपके कोकस में था कई सारे बैसिलस सेल इकट्ठा हो तो उसको भी हम स्टेप्टो बोल सकते हैं और स्पायरल में आप देखेंगे कि स्पायरल शेप का होता है जिसको जैसे बिब्रियो बोलते हैं जिसको ठीक है जो इस्पायरल सेव का होता है उसे बिब्रियो बोलते हैं फिर अगर इसके इंड पे फ्लैजला होगा तो उसको हम बोलेंगे इस्पायरला इस अगर इसके इंड पे फ्लैजला होगा और वैसे इसको इस, इस्पायर बोलेंगे ठीक है तो आपका आज हम लोगों ने टाइप ऑफ प्रोक्यूरियाट सेल को देखा अब हम टाइप ऑफ प्रोक्रोट एक ऐसी भी होती है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला की बेस पे कुछ टाइप ऑफ प्रोक्यूरियाट सेल होती हैं तो उनकी भी स्टडी हम अभी करेंगे कट कर दो तो हम लोगों ने सेल की बेसिस पे टाइप ऑफ प्रोक्यूरियर सेल देखा अब हम देखें डिफरेंस बिटवीन प्रोक्यूरियर और यू सेल को देखा था आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ प्रोक्यूरियर सेल देखो तो हम लोगों ने बेस ऑफ सेल पे प्रोकोरियट सेल को देख लिया है अब सेल की अटैचमेंट ऑफ फ्लेजिला के बेस पे भी सेल जो होती हैं वो आ, तीन टाइप की होती हैं मोनो टेरियस डिप्लोटेरियस और पेरिटेरियस मोनो यानी जिसके एक एंड पे फ्लेजिला हो उसको मैनिटेरियस बोलते हैं जिसके दोनों एंड पे जिसके एक एंड पे टफ ऑफ फ्लेजिला हो लेफो बोलते हैं जिसके पूरे बॉडी पे हो इसको पेरी टेरेस या एम्फी टेरिस बोलते हैं एम्फी यानी जिसके पूरे बॉडी पे हो और पेरी पेरी का मतलब भी पूरे बॉडी पे होता है एम्फी का मतलब भी पूरे बॉडी पे होता है तो ये आपका आज का टाइप ऑफ प्रोक्योरियर सेल कम्प्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजिला और सेल के बेस पे तो आज के लिए इतना ही कल हम लोग प्लाज्मा मेंब्रेन का की स्टडी और उसके मॉडल्स को की स्टडी करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद